नहीं रखने के लिए रखा हूँ पेन ड्राइव, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है मेरा, ठीक है। तो 32 का 4 GB कैसे बन जाता है आप लोग देख लीजिएगा, फिर वो डॉस के जरिए कैसे सही होगा, फिर दोबारा 32 का मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, कॉपी वगैरह कर लूंगा पूरा मैं तो, ठीक। डॉस तो खत्म, एक्सल देख ले हम लोग, चलिए मैं कुछ बताने वाला था लेकिन भूल गया कि मैं बताने वाला क्या था, चलो भूल गया तो जाने दो, बाद में कभी देख लेंगे कि क्या बताने वाला था मैं। ये है एक्सेल, ठीक। इंसर्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, पेज लेआउट बचा है, इसको हम लोग लेते हैं पढ़, ठीक। तो इसमें थीम है, थीम को मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। जो एमएस वर्ड वाला था वही कुछ इसमें भी है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हो ना, वही है। तो थीम सिम में मैं टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें नहीं बर्बाद करूँगा मैं समय। सबसे पहला है मार्जिन, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं, ठीक है, और प्रीव्यू पे जाऊंगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ पहले रो पहले कॉलम में, राइट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको ऐसा कर दूंगा तो ये देखिए मार्जिन अब दिखाने लगा, ठीक है। ये मेरा, ये देखिए यहाँ आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ठीक है। इधर का मार्जिन ऐसे ले लिया मैं, इधर का मार्जिन नीचे कर लूंगा। तो ये मार्जिन को कम ज्यादा आप इधर से कर सकते हैं, लेकिन ये 2007 में ऐसे नहीं होगा, साथ में कैसे होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यही कहलाएगा आपका मार्जिन, कैसे होगा, यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे मार्जिन डिफरेंट डिफरेंट का बाई डिफॉल्ट पहले से दिया हुआ है, ठीक है। एमएस एक्सेल में एक पन्ना इसमें कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। तो इसको मैं कर दूंगा छोटा छोटा, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो ना, ये प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो अपने आप ये लाइनिंग बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये लाइनिंग लाइनिंग जो है ना, यहां से यहां तक ही एक पन्ना है, ये दो पन्ना है, तीन पन्ना, चार पन्ना, पांच पन्ना, जो भी है, ये लाइनिंग तक ही एक पन्ना है, उसके बाद वो दूसरा पन्ना में आ जाएगा, ठीक। तो एक पन्ना समझ में आ गया कहां से कहां तक होता है, ठीक है। ये देखिए पेज लेआउट में आएंगे, मार्जिन यहां पे आप देख लीजिए जो मार्जिन आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुछ चीजें प्रिंट करना चाहते हो एक ही पन्ने में पर वो आ नहीं रहा है, तो मार्जिन को कम ज्यादा करके आप एडजस्ट कर लोगे, फिट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है ये ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, जिसमें करोगे आप, पोर्ट्रेट में है तो अभी यहां तक ये लाइनिंग है, लैंडस्केप करूंगा तो ये लाइनिंग और आगे चला गया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहां तक ये लाइनिंग वाला आ गया, ठीक है, लेकिन नीचे से कम हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए यहां पे आ गया ये, ठीक है। अब ओरिएंटेशन में क्या पाया जाता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप या आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये साइज है आपका, ठीक है, ये किस चीज का साइज है, पेपर का साइज, A4 साइज, A3 साइज, लेटर साइज, या फिर जो भी साइज ले लो आप, ठीक है। पेपर का साइज आपको कम ज्यादा करना है तो क्या करोगे आप, यहां से आप पेपर का साइज कम ज्यादा जो है कर लोगे, ठीक, क्लियर, जो भी आपको पेपर का साइज रखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूं तो क्या होगा, ये प्रिंट तो हो ही जाएगा, लेकिन ये देखिए ये एक यहां पे लिखाया, यहां पे लिखाया, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है प्रिंट एरिया, ठीक। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसको मैं कर देता हूं, अच्छा लैंडस्केप में है ना, अभी इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट मोड में ही, ये देखिए आ गया। मार्जिन को मैं कर देता हूँ यही नॉर्मल मार्जिन, ठीक है। अब देखिए प्रीव्यू में देखता हूँ तो ये प्रिंट होगा, ठीक। मैं बॉर्डर कर दूंगा तो बॉर्डर भी प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आके बॉर्डर कर दूंगा ऑल बॉर्डर, ठीक है। और प्रीव्यू पे मैं जाऊँगा तो ये देखिए बॉर्डर भी आने लगा। मैं क्या चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्लस का साइन मारा, नहीं नहीं प्लस के साइन नहीं मारना चाहिए मुझे,
मुझे मारना चाहिए कंट्रोल के साथ, एंटर मारा, ये बन के तैयार हो गया, पर मेरे को तो चाहिए नो बॉर्डर, ठीक है, ऐसे कर दूंगा, और फिर इसको कर दूंगा ऑल बॉर्डर, ठीक है, इसको भी कर दूंगा ऐसे ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऐसे, ठीक, मैं क्या चाह रहा हूं कि खाली इतना ही प्रिंट हो, ठीक, अभी देखिए दोनों प्रिंट हो रहा है ना, मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ही ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा प्रिंट एरिया में और कर दूंगा सेट प्रिंट एरिया, ठीक, कर दिया इसको सेट प्रिंट एरिया में, अब क्या करूंगा, प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊंगा, तो ये देखिए ये प्रिंट एरिया, ये ही खाली प्रिंट होगा, ये वाला हिस्सा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, फिर से मैं आऊंगा पेज लेआउट में, यहां पे आऊंगा ऐड टू प्रिंट एरिया में क्लिक कर दूंगा, तो ये भी ऐड हो गया प्रिंट एरिया में, ठीक है, अब लेकिन ये दूसरे पन्ने में देखिए चला गया, ठीक है, उस पन्ने पे इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई कंटेंट है, एक ही पन्ने में कोई कंटेंट आपने एक्सेल में लिखा है, उसको अलग अलग पन्ने में आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्रिंट कर लेंगे, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया, ये देखिए यहां पे आऊंगा, कर दूंगा क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक, तो ये वाला ही क्लियर, सारा क्लियर हो गया, ठीक, अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊंगा, तो ये देखिए सारे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, एक ही पन्ने में सारे प्रिंट हो रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये प्रिंट हो, ठीक है, तो यहां पे आऊंगा पेज लेआउट में और कर दूंगा सेट प्रिंट एरिया, तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, ठीक है, बाकी प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, ये देख लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला और ये वाला दोनों तो एक ही पेज में है, लेकिन प्रिंट अलग अलग पेज में होना चाहिए, तो इसको कर दूंगा एड प्रिंट एरिया में, ठीक है, तो ये देखिए अब अलग अलग पेज में प्रिंट होगा, ये देखिए पहला में ये होगा, दूसरा में ये होगा, ठीक है, फिर से मैं पेज लेआउट में आऊंगा, कर दूंगा क्लियर प्रिंट एरिया, तो सारा प्रिंट एरिया क्लियर होगा, एक पन्ने का लाइनिंग यहां से आ गया, पूरे पन्ने में सारा प्रिंट होगा, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेट कर दूंगा प्रिंट एरिया में, सेट प्रिंट एरिया, ठीक, प्रीव्यू में ये आ रहा है, अब आ रहा है ना, फिर से यहां पे आऊंगा और इस पे आके कर दूंगा ऐड प्रिंट एरिया, ठीक है, ऐड प्रिंट एरिया, तो अब क्या होगा, अब ऐड हो जाएगा उसमें, तो पहले पन्ने में ये आ जाएगा, दूसरे पन्ने में ये आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अब मैं फिर चाहता हूं कि यहां से यहां तक, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं आउटसाइड बॉर्डर, और इसको भी कर देता हूं सेट जो है प्रिंट एरिया में ऐड कर दिया, ठीक, पहले ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा फिर, ठीक है, ये देखिए पहले पन्ने में वो आया, फिर ये वाला आया, फिर क्लिक करूंगा तो ये आउटसाइड बॉर्डर वाला आ गया, ठीक, तो ये प्रिंट एरिया का मतलब यही है, और प्रिंट एरिया का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं, पेज एरिया पे प्रिंट एरिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है ना सबको, चलिए अब यहां पे आके कर दूंगा क्लियर प्रिंट एरिया, तो सारा प्रिंट एरिया क्लियर हो गया, अब एक पन्ना में जो आएगा कंटेंट लिखा रहेगा वो जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो रहा आपका प्रिंट एरिया, ठीक है, आगे चले, इसको मैं सबसे पहले ऐसे करके कर दूंगा नो बॉर्डर, मुझे बॉर्डर अभी पसंद नहीं आ रहा है, फिर डिलीट कर दिया, ठीक है, आ गया पेज लेआउट में, फिर है यहां पे ब्रेक, ठीक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक बोल रहा है ये, ठीक है, ये देख लीजिए लाइनिंग लाइनिंग आ गया, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है एक्सेल में, तो प्रीव्यू का दिखाएगा, यहां पे आके मैं लिख दिया, ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है ना छोटा सा, ये लिखा हुआ यहां पे, ये देखिए ये देखिए आ गया, ये एक पन्ने यहां तक है, ठीक है, फिर से जाऊंगा मैं पेज लेआउट में, अब यहां पे आऊंगा, मैं आ रहा हूं नीचे, ठीक है, एक पन्ने इसमें कहां तक है, यहां तक है, यहां कुछ चीजें लिख के एंटर किया, ठीक, अब गया प्रीव्यू में, ठीक है, इसको कर देता हूं ऐसे, एक यहां प्रिंटिंग है, एक यहां लिखा है, ठीक, अब ये जो है एक ही पन्ने में प्रिंट होगा ना, एक ही पन्ने में दिखा रहा है, मैं क्या चाहता हूं कि दोनों अलग अलग पेज में प्रिंट हो जाए, ठीक, मैं यहां पे लाऊंगा कर्सर, यहां पे कर दूंगा इंसर्ट पेज ब्रेक, क्लिक किया, जहां पे मैं कर्सर किया था जस्ट उसके ऊपर से क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया, ठीक,
एक पन्ने में कुछ प्रिंटिंग नहीं हुआ, दूसरे पन्ने में क्या है कुछ नहीं, तीसरे में क्या है ये आ गया, चौथे में क्या है ये वाला आ गया। ठीक, तो इस तरह से पेज ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लियर आपको? ये देख लीजिए, नीचे मैं जाऊं, ये देखिए यहां पे आ गया। अब समझने वाली बात है ना कि ये एक पन्ना हुआ, ये दो पन्ना हुआ, क्या आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे तो पहले नंबर पे ब्लैंक है, दूसरे पेज में भी ब्लैंक है, तीसरे पेज नंबर पे दिख रहा है और चौथे पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये पन्ने का कैलकुलेशन कैसे किया? पन्ने का कैलकुलेशन ये ऐसे किया, इसको एक पन्ना गिना, इसको दूसरा पन्ना गिना, इसको तीसरा गिना और कंट्रोल प्लस इंड इस पन्ने को चौथा गिना। ठीक, ऐसा मैं नहीं गिन रहा हूं, ऐसा तो एक्सेल गिना था। ठीक है, मैं सारा कंटेंट जो है अपना डिलीट कर दिया। ठीक है, अब भी पेज ब्रेक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ब्रेक में जाऊंगा और कर दूंगा रिमूव पेज ब्रेक्स। क्लिक किया, ब्रेक रिमूव पेज ब्रेक, ब्रेक हो गया। ठीक है, पहले मैं इधर कहीं भी क्लिक करके ब्रेक कर रहा था इसीलिए नहीं हुआ था, फिर से यहां कर किया तो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेक को रिमूव करेंगे और पेज ब्रेक को लाएंगे। ठीक, क्लियर सबको? इंसर्ट पेज ब्रेक यहां पे आ गया, यहां पे आके अब मैं क्या कर दूंगा, फिर से कर दूंगा इंसर्ट पेज ब्रेक, यहां पे भी ब्रेक हो गया। आप जैसे जैसे चाहो वैसे वैसे पेज ब्रेक कर लो ऐसे। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे कंटेंट लिखोगे आप, पेज नंबर एक, पेज नंबर दो, पेज नंबर तीन, कहां मैं तो दो ही लिखा, पेज नंबर थ्री, मेरे दिमाग खराब हो गए हैं क्या, फोर, फाइव, फाइव तो यहां लिख, क्या मजाक है, फाइव यहां लिखने चाहिए थे, मैं ऊपर ही लिख दिया, यहां पे कर दूंगा सिक्स के बाद सेवन, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा नाइन, कितने पेजेस मैंने बनाए, ये हो जाएगा टेन, इलेवन, ट्वेल्व। ठीक, बारह पन्ने बन गए हैं और यहां पे भी अब देखिए बारह पन्ने बन के रेडी है, जैसे जैसे मैं लिखा था यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूं तब आपको तीन दिख जाएगा स्पष्ट, जैसा जैसा मैं पेज नंबर डाला था वैसा वैसा आ रहा है। करेक्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेज नंबर को, पेज को ब्रेक कैसे किया जाता है और पेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। राइट, सबको क्लियर है? क्लियर है ना? रिमूव, यहां पे आके कर दूंगा रिमूव। अनेकों पेज ब्रेक्स में किया रहूंगा तो क्या मैं इसी तरह से पेज को लाता रहूंगा, इसी तरह से मैं रिमूव करूंगा क्या? नहीं, यहां पे आऊंगा रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, सारा खत्म कहानी। अब प्रिंट प्रीव्यू में करूंगा तो ये देख लीजिए सब एक के पन्ना में दिख गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पेज ब्रेक का मतलब, इस ब्रेक का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। आ गया ना? नहीं आया? चुपचाप। ठीक है, ये है बैकग्राउंड। आप चाहते हैं कि एक्सेल के बैकग्राउंड में कुछ लाल पीला हरा दिखे तो ऐसा दिखेगा, पर आपको दुख होगा जान करके कि प्रीव्यू में कुछ नहीं दिखा। दिखना चाहिए था ना? बहुत ना इंसाफी है, मजा नहीं आया। नहीं दिखेगा वो। आपको याद होगा मैं हेडर और फुटर का जब बता रहा था तो उसमें कुछ दिखाया था कि हेडर में इंसर्ट कर दिया मैं पेज और फिर वो बैकग्राउंड में आने लगा। ठीक, उसी तरह से आएगा, थोड़ा एंटर वंटर मार के आगे पीछे करके एडजस्ट आप करके देखना, आप मेहनत करना, कोशिश करना करना। ठीक, बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो फिर आखिरी में बताना, मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए जी, ये आता है आगे प्रिंट टाइटल। ये क्या मतलब है प्रिंट टाइटल का? इसमें नीचे लिखता है स्पेसिफाई रो एंड कॉलम टू रिपीट ऑन ईच प्रिंटेड पेज। ठीक, इसका मतलब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को सिर्फ दो या तीन शब्द इसका समझ में आया कि रो एंड कॉलम
टू रिपीट, ठीक इतना ही मेरे को समझ में आया है। इसका शायद मतलब ये होगा कि रो और कॉलम कुछ रिपीट करना चाहते हो तो बता दो, मैं कर दूंगा। ठीक, मैं बोल रहा ये तो खुशी का बात है। ठीक, नेम, क्लास, एड्रेस, कुछ बता दो भाई, नाम वाम, सुमित, डीसीए, कुछ भी, अमित, डीसीए, कुछ और लिखते जाओ, क्या फर्क पड़ता है कौन सा यहाँ पे अमित सुमित सच में है, श्याम, कुछ और, कुछ और। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या काम करूंगा, पकड़ के खींचूंगा ऐसे 100-200 पन्ना बनाऊंगा ऐसे। ठीक, बना दिया मैं ऐसे, कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट एरो दबाऊंगा तो ऐसे सेलेक्ट होगा, डाउन एरो दबाऊंगा तो पूरा सेलेक्ट होगा, और यहां पे मैं आकर के कर दूंगा ऑल बॉर्डर। ठीक, प्रीव्यू में देखूंगा तो कुछ ऐसा प्रीव्यू आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है, आपको मालूम है, मुझे भी ये बात मालूम है। ठीक है, अब पेज नंबर में जाता हूं, सेकेंड में, यहां पे ये अमित क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं चल रहा है, इसमें नाम कौन सा है, कोर्स कौन सा है और एड्रेस कौन सा है पता नहीं चल रहा है ना। अब आपके सामने लिखा हूं तो आप कह दोगे ये नाम है, ये एड्रेस है, तो ये कोर्स है। ठीक, सेकंड पेज में पता ही नहीं चल रहा है जी, थर्ड पेज में आया तो थर्ड पेज में भी पता नहीं चल रहा है, खाली तीन ठो कॉलम है। ठीक, मतलब ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो हेडिंग यहां पे रिपीट किया है पहले पेज में जो दिखा रहा है हेडिंग, उसको दूसरे पन्ने में भी दिखा देता हेडिंग, ठीक है, तीसरे पन्ने में भी वो हेडिंग दिखा देता तो कितना अच्छा होता, राइट। मैं क्या करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा, कह दूंगा मुझे नहीं आता। ठीक है, चलिए जी यहां पे आते हैं। ठीक है, ए प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स वगैरह पूछ रहा है यहाँ पे, मैं प्रिंट एरिया, ये प्रिंट एरिया आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से। ठीक है, ये देखिए सिलेक्ट किया, कर दिया मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक, ये देखिए प्रिंट एरिया सिलेक्ट जितना किया था उतना ही आया है। ठीक है, लेकिन मैं प्रिंट एरिया आपको बता चुका हूँ तो प्रिंट एरिया में अपना दिमाग खराब नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोग का मर्जी है तो कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया आपने देखा नहीं देखा, फिर से करके दिखाऊं, ये देखिए यहां पे आके सारा मैं डिलीट बटन दबाता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं। ठीक, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, डाउन एरो दबा लूंगा, सारा रोड सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक, और लेफ्ट एरो दबा, राइट एरो दबाया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक, ये सिलेक्ट हो गया प्रिंट एरिया। अब बोल रहा है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल में बोल रहा है रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, वो रो मुझे बता दो जो मुझे प्रिंट करना है सारे पेज के टॉप में। मैं कहूंगा इससे बेहतर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, कंट्रोल के बाद अप एरो दबाया और सिलेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक, कर दूंगा ओके। ठीक, कर दूंगा प्रीव्यू। ठीक, पहला पेज में दिख रहा है ना कॉलम आपको, दूसरा पेज में गया फिर भी आपको कॉलम दिख रहा है ना, पेज नंबर दूसरा है देख लो आप, कॉलम बोल रहा हूँ, रो दिख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, थर्ड पेज में गया इसमें भी ऊपर दिख रहा है, काम तो बड़ा आसान हो गया। ठीक, तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी यहां पे मैं आता हूं, करता हूं कंट्रोल प्लस। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कर दूंगा COLUMN। ठीक, ये लीजिए पहले पेज में मैं कर दिया ऑटो फिल, कंट्रोल डी दबा के सिलेक्ट किया था पूरा। ठीक है, अब इससे क्या होगा जी, प्रिंट एरिया में मैं सिलेक्ट किया था वहां पे ना, मैं प्रिंट एरिया में जाके क्लियर कर देता हूँ सारा प्रिंट एरिया। ठीक है, ये देखिए कॉलम कॉलम आ रहा है, पहले में पहले पन्ने में कॉलम आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, मतलब एक ठो गलती से सिलेक्ट हो गया होगा, तीसरे में आ गया। ठीक है, क्यों आ रहा है कारण जानना चाहिए हमें। ठीक है,
अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, कॉलम रिपीट सिलेक्ट कर दूंगा तो कॉलम को भी रिपीट करने लगेगा वो, ठीक है। चलो जी कर दो, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, इसमें आऊँगा, इसमें आऊँगा, एक ही दिखा रहा है, ठीक है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि एक ही दिखा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ रहा है क्या? आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, जब समझ में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो अभी बता दूं, बाद में बताऊंगा, अभी बता दूं, अभी भी वैसे ही आ रहा है। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, पता खुद से लगाइए, ठीक है। नहीं पता लगेगा तो बताइएगा कि पता नहीं लगा, तो मैं भी मदद करूंगा पता लगाने में, ठीक है। तो आप लोग पता लगाएंगे, लगाओगे नहीं लगाओगे? चलिए, आप लोग पता लगाना, नहीं लगेगा तो बताना मेरे को, मैं पता लगा के बता दूंगा, ठीक। चलिए पेज पे आता हूँ, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो वहां देखा था आपने वो यहाँ भी है, ठीक है। ये फिट करने के लिए बोल रहा है कि फिट हो, पेज का साइज यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, छेड़ना यहाँ से है आपको हाइट विड्थ में और स्केल वाले में, जो स्केलिंग यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्ट वाले में, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। मार्जिन, जो मार्जिन आपने वहां देखा था, ठीक है, यहाँ पे वही मार्जिन यहाँ से भी कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, ये तो मैं आपको बता दिया था, तो मैं इसमें अपना गला खराब नहीं करूंगा हल्ला करके। सीट है, सीट में इसको बता ही दिया, ये बता ही दिया, ये देख ही रहे हो आप। ग्रिड लाइन को प्रिंट करना है या नहीं, इस पे क्लिक करूंगा ना तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट करने लगेगा। चलो भाई कर दो, क्या कर दो, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये देखिए ग्रिड लाइन जैसा प्रिंट कर रहा है ना, सिर्फ यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक, कर दिया मैं नो बॉर्डर, ठीक है। अब प्रीव्यू देखा तो ये देखिए ग्रिड लाइन दिखा रहा है ना, तो वही ग्रिड लाइन का ये बात कर रहा था यहाँ पे। अनचेक कर दूंगा तो नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर तो हमारा है ये है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होगा ही, ठीक। ये देखिए ग्रिड लाइन को हटा दिया तो हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा, ये बोल रहा है रो रो इन कॉलम हेडलाइन, उसको क्या हो गया, फोन आ गया, अभी हमारी गलती नहीं है। ये देखिए डब्बा बना दिया कुछ इस तरह का, कैसे बना आपके सामने मैंने बनाया, आपने देख लिया होगा, मैं दोबारा गला नहीं फाड़ूंगा, इसको कर देता हूं अनचेक, अब गायब हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे सेल एरर एज अ डिस्प्ले, कर दो ब्लैंक तो ब्लैंक हो जाएगा, सेल एरर को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट को क्या करें, एट इंड ऑफ सीट, सीट के इंड में ले जाए, डिस्प्ले ऑन सीट। चलो जी इसमें कर दिया मैं, कर देता हूँ ओके, ठीक। यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद शिफ्ट F3 दबाता हूँ, नहीं गलत मैं दबा दिया, सिर्फ F3 दबाऊ, मैं बटन ही कुछ और दबा रहा हूँ, F3 दबाया, ठीक है। नहीं, मैं भूल गया शॉर्टकट, इंसर्ट कमेंट कहा गया, ये है, ठीक, क्लिक कर दूंगा, कुछ इसमें कमेंट करके कर दिया एंटर, ठीक। यहाँ पे कमेंट आ गया, प्रिंट प्रीव्यू आप देख लो जी, ऐसा ये ऐसा दिखता है, ठीक। ठीक है, इंडेड सीट, इस पे आऊंगा मैं, इस पे CM, एंटर, प्रीव्यू,
इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है। प्रिंट, इसका मतलब क्या है मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिस तो काफ़ी पहले किया था, इसको देखा था, लेकिन 2007 में मुझे इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। मुझे भी जब समझ में आएगा तो बता दूंगा कभी, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे आइकन देख के, ठीक है। तो इस पे भी आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये पेज सेटअप वाला जो ये ऑप्शन था प्रिंट टाइटल, एक सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है, एंटर हो जाए डिलीट, ये वाला ऑप्शन सबको क्लियर है ना। ये बोल रहा है हाइट और विड्थ बता दो, ठीक है। हाइट और विड्थ को मैं अभी नहीं बताता हूं, अभी सिर्फ मैं स्केल को बता देता हूं, लेकिन स्केल को भी बताना मैं नहीं समझता, ठीक है। कुछ यहां पे डेटा में लिख के प्रीव्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो एक पेज में ये फिट हो गया है अभी, ठीक है। और मैं कुछ डेटा इसमें लिखता हूं ऐसे, ठीक है, फिर प्रीव्यू कर रहा हूं तो ये देख लीजिए, एक ही पेज में अब भी दिख रहा है कुछ। क्या मैं ज्यादा लिख दूं कि एक पेज में ना दिखे, रैप कर देता हूं इन सबको, रैप कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दूं ऐसे। ये बाहर भाग गया ना, चलिए जी, ये पेज नंबर दूसरे में आ गया, ठीक है, इसमें आ गया। मैं अब क्या चाहता हूं कि ये जो दूसरे पेज नंबर में चला गया ना, वो दूसरे पेज नंबर पे ना जाए, ठीक है, ठीक। मैं चाह रहा हूं कि जो दूसरे पेज नंबर में वो चला गया, वो दूसरे पेज नंबर पे ना जाए, उसको जाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहला काम करूंगा कि इसका फॉन्ट साइज को जो है मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक। फॉन्ट साइज को मैं एडजस्ट इसका करने का कोशिश करूंगा जो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी तो कुछ चीज होता है, मैं वो करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा जरूरत है कि मैं इसको क्या करूं, पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करूं, ठीक है। तो ये दूसरे पेज नंबर पे जा रहा है, यहां पे देख लीजिए आप, दूसरे पेज में ये कॉलम प्रिंट होगा, ठीक है। मैं मार्जिन को जो है कम और ज्यादा करूंगा, ठीक। मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक। मैं थोड़ा सा और डेटा एंटर करता हूं ऐसे, इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, फिर बाहर आ गया ये, ठीक। व्यू मेनू में आओ और यहां से भी पेज लेआउट में करके मार्जिन को जो है कम ज्यादा आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए, यहां से आप मार्जिन को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कर दूंगा इधर तो और कम होगा, ठीक है, ये देखिए, इधर करूंगा अब तो किनारे पहले से कम कर ही दिया हूं, इधर करूंगा तो इधर आ गया, ठीक है। तो मार्जिन को आप यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं नॉर्मल किया, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में करूंगा तो ये देखिए फर्स्ट पेज आ गया और इधर पेज नंबर सेकेंड आ गया है, खुद लिख दिया, ठीक है। अब मैं फिर से आ जाऊंगा, अब क्या करूं जी, तो आप क्या करो, कितने तरीके हो सकते हैं फिट करने के। पोर्ट्रेट में नहीं आ रहा है तो आप लैंडस्केप कर दो, अगर कर पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन आपको है कि नहीं जी लैंडस्केप ना हो, पोर्ट्रेट में ही हो, तो आप क्या करोगे, पहले तो मार्जिन को कम कर दोगे, फिर भी फिट ना बैठे तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और जो फॉन्ट का साइज है उसको क्या कर दोगे, हल्का सा कम कर दोगे, जितना तक कि चल जाए, ठीक। इससे भी नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, मार्जिन भी कम किया फिर भी नहीं हुआ, फॉन्ट को भी कम किया फिर भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे, जो स्केल ऑप्शन दिया है ना, थोड़ा सा जो है इसको कम करने का आप कोशिश करोगे, ठीक है। ये देखिए हल्का सा मैं स्केल जो है उसको कम कर दिया और फिर ये जो है फिट हो गया, ठीक। लेकिन स्केल को भी आप ज्यादा कम नहीं कर दोगे,
उतना ही कम करोगे जितना में कि दिखाई दे दे, ठीक। स्केल को आप कम नहीं करोगे, स्केल को आप उसी कंडीशन पे करोगे जब पेज का मार्जिन वगैरह को भी कम करने के बाद फिट ना बैठे, फॉन्ट को भी साइज छोटा करने पे ना बैठे, तो इसका जो है स्केल को कम कर दोगे थोड़ा सा तो ये फिट बैठ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना बैठे तो जी फिर कोई ऑप्शन नहीं है, या पेपर का साइज को बड़ा कर लो या फिर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लो, ठीक है। क्योंकि स्केल को ज्यादा कम कर दोगे तो पढ़ने में दिक्कत होगा, वो छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक। हाइट विड्थ तो आप समझ ही रहे हो जो है, ठीक है, पेज का है, ठीक ना, ये देख लो यहाँ पे लिखा है फिटिंग वगैरह के लिए। खैर मैं एक बार और इसको कोशिश करूंगा कि आगे बताऊं, ठीक है। एक ग्रिड लाइन बोल रहा है दिखाई देना चाहिए या नहीं, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, फिर करूंगा तो आ जाएगा प्रिंट। मैंने क्या, प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट होगा, ठीक। ये देखिए ग्रिड लाइन कर रहा है ना प्रिंटिंग के लिए, तो ये ग्रिड लाइन कर रहा है। ये मेरा एक्सेल है जो है 2010, एक्सेल 2007 होता तो क्या होता, ये सारा ग्रिड लाइन आपको दिखाई देने लगता, ठीक। प्रिंट पे मैं क्लिक करता तो ये जो भी ग्रिड लाइन है ना, अभी क्या हो रहा है कि जहां जहां आप लिखे हो सिर्फ वही का ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ वही का। ये देखिए जहां आप लिखे हो वहां का ही सिर्फ लाइनिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर एमएस ऑफिस 2007 होता तो ये हर जगह का ग्रिड लाइन दिखाई देता, ये वाला भी, ठीक ठीक है। चलिए ये हेडिंग से क्या मतलब है, ये हेडिंग जो है ना ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो आ जाएगा, ठीक। तो ये हेडिंग के लिए है, ये प्रिंट के लिए बोल रहा है, प्रिंट करूंगा तो हेडिंग को भी प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिए किनारे आ रहा है ना एबीसीडी, और इधर 1 2 3 आ रहा है, तो ये हेडिंग को भी प्रिंट करेगा, ठीक। यही है, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है। सेंड बैक, सेंड फॉरवर्ड, इसको बताऊं या आप ही एक्सपेरिमेंट करोगे, बता दूं, खुद से मेहनत नहीं करना चाहते भाई, क्यों? आपको मालूम है आप मेहनत करके जो पढ़ोगे वो जल्दी कभी नहीं भूलोगे, मैं जो बताऊंगा वो आप जल्दी भूल जाओगे, यही प्रकृति का नियम नहीं है, ये विद्यार्थियों का नियम है, ठीक है। तो जो कोई दूसरा कोई बताता है उसका महत्व कम देते हैं, कहते हैं फिर से पूछ लेंगे, जो खुद पढ़े होते हैं खोज करके कहते हैं ना भाई ना, मेहनत लगा है मुझे, मैं नहीं भूल सकता, ठीक। तो ये हर लोगों का नियम है, कानून है, आपको भी ये कानून समझ लेना चाहिए, ठीक ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, समझ में आएगा तो पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा तो कहना हमको इसका जरूरत नहीं है, ठीक। सेंड टू बैक आ गया, ठीक है, कह देना हमें इसका जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसमें आऊंगा, फ्रंट में क्लिक किया, फ्रंट में आ गया ना, ये नहीं देख रहे हो, देख रहे हो या सो गए क्यों? सेंड टू बैक, बैक कर दिया, ये सब यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं जी, ठीक है। सिलेक्शन पैनल, यहां से आ गया सिक्स सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अलाइन को बता रहा है कौन सा करना चाह रहे हो, मैं कहता हूं मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जो है, इसमें लाओगे तो ये देखिए आ गया ना, फोटो के ऊपर फोटो, आपको कहे कि फोटो के ऊपर फोटो लाना है कैसे लाओगे, तो आप कह देना ऐसे लाऊंगा, ठीक। आ जाएगा इस तरह से, आ जाएगा ना, नहीं आएगा, वर्ड में लाना आप लोग, ठीक, वर्ड में, बिना किए भी ले लाया मैं तो, ये देखिए अब नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं छोटा, तब आएगा ना, नहीं आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, ला दिया तो, और छोटा हो जा भाई, मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन और छोटा है थोड़ा,
ये ले लो। ये देखो चला गया, वर्ड में आप लोग लाना है। अब ये कहाँ चला गया ये देख लो, इसको तो ला रहा हूं तो ये जा ही नहीं रहा है जी, मजाक कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ए? ए? इसके ऊपर इसको कर रहा हूं तो ये जा नहीं रहा है, क्यों आपको समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं जा रहा है? नहीं आ रहा समझ में, फिर से करता हूं मैं। ठीक, ये मैंने पहले फोटो इंसर्ट किया इसको, ठीक, इसको छोटा कर दिया मैं, ठीक है, फिर से एक फोटो और इंसर्ट करता हूं, अब किसको करूंगा, इसको, ठीक। ये लो जी कर दिया, हो गया। अब इसको इसके ऊपर कैसे कर दूं, ये तो जा ही नहीं रहा है। इसको और मैं करता हूं छोटा, ये इसके ऊपर चला जा रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि ये इंसर्ट बाद में हुआ है, ये इंसर्ट पहले, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, ये फोटो पहले चाहिए जी। हम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, यहां पे आ जाऊंगा, यहां पे आ जाऊंगा, कर दूंगा क्या, सेंड टू फ्रंट, आ गया। उन्हें चलाट इधर से कहां कहां से आ जाते हो, ठीक है, आ गया। चलिए तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पेज लेआउट जो है खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग एक बार सारा प्रैक्टिकल करिएगा, जो चीजें बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं बनाने में मदद करूंगा आपको, ठीक है। तो खत्म, बाकी कल देख लेंगे। बड़ा जल्दी ही पूरा हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कल से मन करेगा तो फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक। बंद कर दो, कोई कुछ डाउट, किसी को डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक, बंद कर दूँ, ठीक है, चलिए बंद कर दे रहा हूँ।